हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मास और वेट की बात कर रहे थे। अब हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे कि पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। इट मींस वेट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करें मून के ऊपर, तो मून जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट कहलाएगा। इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून। और इस लेक्चर में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर कितना वेट होगा, यही कैलकुलेट करने वाले हैं। इट मीन्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो हेयर वी विल कंसिडर an object of mass m. So we have considered an object of mass m. Now we will talk about the weight of the object on the moon. So let mass of moon is equal to mm. It means mass of moon and radius. Of moon is equal to Rm. It means radius of moon. Now we know that weight is actually the force of gravitation with which the moon attracts that object. So from Newton's law of gravitation, weight of object on moon, Wm, is the weight of object on moon. So Wm is equal to g into mass of the moon m sub and into mass of the object that is a small m by r m square. Now we will write where w m is weight of object on the moon. Now we will put the value of mass of the moon and radius of the moon from this table. So by putting the values, we get weight of object on moon is equal to g into moon is 7.36 into 10 to the power 22 kg and m is the mass of object and the radius of the moon is 1.74 into 10 to the power 6 meter square. Now if we solve it, we get mass
ऑफ इफ वी सॉल्व इट वी गेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10 to the power 10, एंड दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे वी विल फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल फाइंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. सो लेट डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ, दैट इज एम ई, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एम, एंड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वेयर. नाउ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस टेबल वी विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10 to the power 24 के जी इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाई 6.4 × 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1.474 × 10 to the power 11 इंटू जी इंटू एम. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2. नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी विल गेट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट मास विथ सॉरी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 2.431 × 10 to the power 10 × g × m. Now we will put the weight of the object on the earth, that is 1.474 × 10 to the power 11 × g × m. G G cancel, mass mass cancel, it will be cancelled out in 10 times and this will be cancelled out, and now if we divide it we will get mass of weight of object on the moon by weight of object on the earth is equal to 1/6. It means if we will solve it we will get weight of earth, weight of object on the earth is equal to 6 into weight of object on the moon. It means the weight of any object is 6 times greater than the weight of the object on the moon. So, we can say, if
एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 6 न्यूटन ऑन द अर्थ देन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी ओनली 1 न्यूटन। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।